नमस्कार प्रशिक्षुओं, तीन चार विषय पर बात करना है। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। पहले तो यह बात करेंगे जिनका बैक लगा है वह क्या करेंगे, क्या वो उनके लिए यूपी टेट वैलिड होगा कि नहीं, लास्ट तक बने रहेंगे। और जिनका जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर का पास हो चुके हैं, जो बैक था पास हो गए हैं 2019 वाले, क्या वो प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कब तक होंगे, या फिर पीएनपी कब डीएलएड की तरफ मतलब झुका होगा, यूपी टेट के बाद या फिर पहले, ये सारी बातें पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। और सभी बच्चों से यह विनती है भाई कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया सबसे ऊपर ही। टेलीग्राम पे बने रहने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको सही समय पे सारी वीडियो मिलेगी, जानकारी मिल जाएगी, जितने क्लासेस होंगे उसकी जानकारी मिलेगी, और प्लस पीडीएफ जो पहले का पड़ा हुआ है सारा, यूपी टेट सी टेट और प्लस डीएलएड का, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यह फ़ायदा होगा आपको, आप जुड़ सकते हैं, अपने भाइयों को भी शेयर कर दें, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जो बच्चे बोल रहे हैं कि यूपी टेट के क्लासेस कहाँ पर हैं, तो देखना हम बता देते हैं। मैथ और संस्कृत को छोड़कर हर एक सब्जेक्ट का क्विज, हर एक सब्जेक्ट का आपको भरपूर प्रैक्टिस सेट और हर का बेसिक क्लासेस सब मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। देखना कहाँ मिलेगा, आप आएंगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आएंगे तो सबसे पहले हिंदी में, हिंदी का दो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, दो फाइल बना रहा है, एक है बेसिक क्लासेस और एक है टेस्ट है उसमें, वो भी टेस्ट किस प्रकार से टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक टॉपिक, जैसे समास उठाए समास पे 200-300 प्रश्न, संधि उठाए संधि पर 400-500 प्रश्न, साहित्य उठाए साहित्य पे 450 प्रश्न, तो इस तरह की श्रृंखला आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आ जाइए। और प्लस बेसिक क्लास भी है, तो दो प्लेलिस्ट बना हुआ हिंदी का, दोनों आप देख लेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें भाई, इंडिया में सब कुछ उसी जगह से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, बहुत ही बेहतरीन दे दिया गया आपको, एक तरह से निचोड़ हिंदी का प्रैक्टिस, प्लस उसमें मैराथन क्लासेस भी हैं, सब आप देख डालिए। और दूसरी बात, मैथ के यूपी टेट के क्लास की बात करें तो पूरा बेहतरीन तरीके से क्लास, पूरा एक 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 ए टू जेड भाई 60-65 क्लास हैं बेसिक, उसको देख लीजिए, मैराथन दो क्लास है उसको देख लीजिए। और कल या परसों से डेली आपके टेस्ट सीरीज चला दिए जाएंगे, वैसे कल से डेली हो जाएगा आपका टेस्ट सीरीज, ठीक है। इस बीच दो दिन आपका क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, इसके बाद मतलब 26 से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें, हिंदी हो गया और मैथ हो गया, CDP की बात करें और इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट का तो कोई तोड़ ही नहीं है। इन्वायरमेंट में जब बच्चे बोलते हैं कि सर यह इन्वायरमेंट हमारा आउट ऑफ सिलेबस था, इन्वायरमेंट का मतलब उसमें ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगा, इन्वायरमेंट पर्यावरण से भी रिलेटेड होंगे, हर एक चीज़ लेयर वगैरह हो गया, नीचे अर्थ के नीचे क्रस्ट मेंटल कोर हो गया, ये सब सारी बातें आपको उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझा कर दिया गया है। रामसर साइट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, सब कुछ दिया गया भाई, आकर देख लेना। जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं हर एक चीज़, और डेली दिया भी जाता है ज्योग्राफी का, एक तरह से आप आएंगे प्लेलिस्ट में तो इंडियन ज्योग्राफी का एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा भाई। तो यह रही यूपी टेट के क्लासेस के बारे में। और CDP की बात करें, CDP का क्लास चल रहा है, सिद्धांत वगैरह खत्म हो गए हैं, जैसे वर्ण मैकडुगल का सिद्धांत हो गया, थांडाइक का हो गया, पावलाव का हो गया, स्कीनर का हो गया, वाइगोस्की का हो गया, ये सब सिद्धांत देख रहे थे कितना आ रहा है सी टेट में, यूपी टेट में भर भर के आएगा, सुपर टेट में भी आएगा भर भर के, पढ़ लेना, विधिवत पढ़ा दिया गया है, ठीक है भाई। और दूसरी बात, DLED के क्लास की बात करें तो DLED के मैथ के क्लास और मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर के पूरे मैथ मैराथन 15-16 लेक्चर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आकर देख लेना आप लोग, प्लेलिस्ट है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम शेयर भी करते हैं, हर रोज रात में सारे प्लेलिस्ट शेयर करते हैं, जिससे कि बच्चे डाइवर्ट ना हो, बच्चों को वहाँ से मिल जाए जो भी क्लास पाना चाहते हैं। इसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर, जो मैथ में जिनका बैक लगा है भाई, देख लो, लास्ट चांस है आप लोग का, नहीं अगर पढ़े ना तो नहीं होगा, देखना बच्चे के 24-24 नंबर, 23-23 नंबर, 22-22 नंबर लाए हैं पढ़कर उसी क्लास से जो मैराथन लगाया गया है, आपका भी आएगा 100% श्योर आएगा, अभी चांस है, अभी यह मत देखना कि समय बहुत ज़्यादा है तो हम दो दिन पहले, एक महीने पहले पढ़ लेंगे, अगर एक महीने पढ़ने लायक रहते ना तो अब बैक ना लगता, आप लोग बात को तो मानते नहीं हैं भाई। तो प्लेलिस्ट में है सेकंड सेमेस्टर के मैथ के भी क्लासेस, पूरे के पूरे मैराथन, राजन सीरीज, पवन सीरीज, बहुत बेहतरीन सीरीज होते हैं, इसी जगह से प्रश्न उठते हैं, और फोर्थ सेमेस्टर के भी हैं, तो आप वहाँ से देख लेंगे, कवर कर लेंगे। और यूपी टेट के क्लासेस के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। और जो लेखपाल के बच्चे हैं, लेखपाल के क्लास करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग एक क्लास चलाए हुए हैं भूमि सुधार का, भूमि सुधार वाला जो है ना वह चलाया गया है, उसको देखते रहिए आप, उसका प्लेलिस्ट अलग है। और रही बात, आप सुनिए अब ध्यान से, जिनका बैक लगा है क्या वो यूपी टेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, भाई दे सकते हैं। सबसे पहली बात है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है वो फोकस कर लें पूरा यूपी टेट पर, और बैक का एग्जाम मई जून में उनका होगा, साफ साफ बात। और जो जिनका बैक है सेकंड सेमेस्टर में, फिर से बैक लगा है, उनका एग्जाम बैक वाला भी मई जून के आसपास हो सकता है होगा,
यह बात हो गई, क्लियर है? क्लियर है, उसके पहले भी हो सकता है। अगर जनवरी में 23 जनवरी के बाद कोई डिसीजन लेते हैं माननीय सचिव जी, तो उसके बाद कोई हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं, जो देखने को मिलेंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। अन्यथा कंडीशन में मई जून ही मान के चलिएगा और तैयारी करते रहिए, कभी भी घोषणा हो सकता है। और रही बात इसकी, जो पास हो गए हैं प्रशिक्षु 2019 वाले, भाई इसमें बैक वाले बैक पास हो गए हैं, जो सेकेंड सेमेस्टर आ गए फोर्थ सेमेस्टर, उनका फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम हो सकता है, थर्ड का भी एग्जाम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भाई चांस है उनका फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, ज़्यादा चांस है कि उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो आप फोर्थ सेमेस्टर की अभी तैयारी करें, जैसे ही 23 जनवरी के बाद कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे और थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी में जुड़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी फोर्थ की तैयारी करें बेहतरीन तरीके से। मैथ पूरा लेक्चर है, प्लेलिस्ट में आ जाइए, मैथ को चाट जाइए, क्योंकि मैथ में बहुत बैक लगता है बच्चों का, बैक नहीं लगने देना है। 22 नंबर रिकॉर्ड मैथ को भी जवाब देना है। और एक चीज़ प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, मैथ के कॉपी कैसे लिखते हैं, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, वो आपको वीडियो कहाँ मिलेगी, मैथ की कॉपी कैसे लिखते हैं या फिर डीएलएड की कोई सी भी कॉपी कैसे लिखते हैं, डीएलएड के प्राचार्य कैसे कॉपी चेक करते हैं, अगर ये भी वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्जाम अपडेट नाम का फाइल होगा एक प्लेलिस्ट में, एग्जाम अपडेट नाम के, जिसमें 200+ वीडियो होंगे, 300 के आसपास होंगे, तो उसको आप देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारी के सारी लेक्चर, जो आपके कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे वहाँ से। सुपर टेट में कैसे नंबर मिलते हैं, किस आधार पर मेरिट बनता है, गुणांक कैसे तय होते हैं, ये सारी बातें हमने कर रखी है, आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, हर एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सिर्फ आप शेयर कर दिया करो क्लासेस को, इस क्लास को इतना शेयर करें कि कम से कम प्रशिक्षुओं के पास पहुँचे, वो जानकारी ले सके इससे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आप कभी भी भटकेंगे नहीं, इतना याद रखें साथी। और रही बात डीएलएड 2018 बैच वालों की बात करें, तो वह अपना जल्द से जल्द भाई संख्या बढ़ाकर, संख्या में अधिक 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 से अधिक संख्या में जाकर प्रत्यावेदन जमा करें, उनका भी एग्जाम तय होगा, 100% तय होगा, उनका भी एग्जाम होगा, वो अपने डाइट से पता कर लेंगे जब एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें कुछ ले नहीं जाना है आपको, सिर्फ एप्लीकेशन जो आप मतलब उनसे रिक्वेस्ट करोगे, वो एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे हमने डाल दिया है, वहाँ मिल जाएगा, या फिर किसी बच्चे से पूछेंगे जो दिया है वो बता देगा। और एक आधार कार्ड और एक फोटो कॉपी अपनी, ठीक है ना, फोटो ले जाना है रंगीन, बस वहाँ पे जाएंगे, सिग्नेचर वगैरह भी करवाएंगे, सिग्नेचर वगैरह करना पड़ेगा आपको, लखनऊ SCERT, ये चीज़ याद रखना है। और अगर प्रमोट की बात बच्चों के लिए, तो प्रमोट की बात PNP पर नहीं, धरना होगा SCERT पर 2019 बैच वालों के लिए, याद रखना बच्चों ये चीज़। और स्कूटनी का रिजल्ट फरवरी के बाद, ये चीज़ है, लगभग जनवरी फरवरी में आपकी कापियाँ ही चेक होना स्टार्ट होंगी, है ना, तो उसके फरवरी के बाद होगा, ये चीज़ें रही, इतनी जानकारी रही आप लोग के लिए। आप लोग अगर सहमत है, बच्चे देखना UPTET के एग्जाम की बात करें, तो इस बार नए सिरे से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, और नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी होगा, सेंटर हो सकता है किसी का उसी जगह पड़ जाए भाग्यवश, है ना, लेकिन जो जितना अगर मेरा मानना है आपका सेंटर चेंज हो जाएगा, है ना, लगभग 25% की बच्चों की बात करें तो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत सारे इस बार भी पढ़े थे, हो सकता है किसी बच्चे का उसी जगह पड़ जाए, नए एडमिट कार्ड में भी वही आ जाए उसका कॉलेज स्कूल, तो ऐसा हो सकता है, ये तो बाई लक होता है, है ना, लेकिन यह चेंज होगा आपका, सबका सेंटर चेंज होगा इस बार, क्योंकि नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। और आप लोग वैलिड हैं फोर्थ सेमेस्टर में बैक वाले, भाई याद रखना UPTET फोड़ना है। और आपके एग्जाम जो होंगे वो कब होंगे, बैक वाला मई जून के आसपास होगा, फ्रेश प्रशिक्षु 2021 के साथ होगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसको जरूर पूछिएगा। और यह मतलब डाउट क्लास एक होता है रात में 9 बजे, उसमें आपके जवाब दिए जाएंगे। दिन भर के जो क्लासेस आते हैं भाई देखा करिए आप, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, अभी कुछ देर में इन्वायरमेंट के क्लास आने वाले, जिसमें हम लोग बांध उध पढ़ेंगे, नदी बांध हो गए, जितने बांध हैं इंपॉर्टेंट, भारत में किस राज्य में है, किस नदी पर है, ये सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी सुबह आया था एक आपका भाई, किसका क्लास आया था सुबह, आपके मनोविज्ञान का क्लास आया था, उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है, धन्यवाद।